हैं आप और आपके साथ मैं हूँ रश तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो इस वक्त बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों ने अज्ञात शख्स की हत्या की है, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। समर्पित नक्सली का हो सकता है ये शव। गंगालूर के बद्देपारा पुसनार रोड की घटना बताई जाती है। हत्या कर पुसनार मार्ग पर इस शव को फेंका गया है। पिछले 3 दिनों में नक्सलियों ने 9 गाड़ियों में आगजनी भी की। तो 3 दिन पहले नक्सलियों ने 9 गाड़ियां भी फूंक दी थी, आग के हवाले कर दी थी। तो नक्सलियों ने एक अज्ञात शख्स को मौत के घाट उतार दिया है। आत्मसमर्पित नक्सली होने की आशंका जाहिर की जा रही है। हत्या कर पुसनार मार्ग पर शव को फेंक दिया गया है। पवन दुर्गम ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, कितनी देर पहले की घटना और शिनाख्त हो पाई शव की, कि वाकई में आत्मसमर्पित नक्सली था या क्षेत्रीय ग्रामीण? जी आपको बता दूं, ये वही इलाका है। आज से 3 दिन पहले करीब 9 सप्तम वाहन जो रेत पर परिवहन कर रहे थे उनको माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया था। और वहीं कुछ दूरी पर ये जो अज्ञात व्यक्ति है इसको मारकर फेंका गया है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो ग्रामीण बता रहे हैं कि ये माओवादी संगठन में पहले सक्रिय था और इसने जो है दंतेवाड़ा में सरेंडर किया था। लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये नक्सल घटना है या फिर किसी की साजिश है, उसको उस नजर से देखा जा रहा है। क्या इस बात की पवन अधिकारी पुष्टि हो गई कि जिस शख्स का शव हत्या करके फेंका गया है नक्सलियों के द्वारा, क्या इस बात की आला अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है कि ये आत्मसमर्पित नक्सली था? नहीं, इसकी पुष्टि तो जो SP है वो नहीं कर रहे हैं और नक्सली वारदात की भी पुष्टि वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहाँ एक शव मिला है और वो ऐसा इलाका है जहाँ पे माओवादियों की बैठ है। अगर वहाँ इस तरीके की हत्याएं होती हैं तो ज्यादातर जो आरोप है वो माओवादियों पर लगते हैं। और जिस तरीके से ये निकल कर आ रहा है कि आत्मसमर्पित नक्सली था, तो हो सकता है संभवतः कि नक्सलियों ने आप नजर बनाए रखिए और जानकारी जुटाने की और कोशिश कीजिए। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।